छतरपुर पन्ना नेशनल पार्क से आदिवासियों को विस्थापित तो कर दिया गया, लेकिन गरीब आदिवासी आज भी सुविधाओं को तरस रहे हैं। करीब 80 परिवारों को यहां से विस्थापित किया गया था। हाल ये है कि इन परिवारों को ना तो पेमावास का लाभ मिला है और ना ही पेयजल की कोई व्यवस्था हो पाई है। पिछले 20 सालों से गरीब आदिवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आज हम आए हुए हैं इस गांव में जहां पे पन्ना नेशनल पार्क के 88 लोग विस्थापन होके इस गांव में 2004 से 2007 में बसाए गए हैं। इनकी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है और इन लोगों की सुध सरकार ने आज तक नहीं ली है। हम इन लोगों से बात करेंगे, इनकी क्या क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से ये जूझ रहे हैं। हमारे साथ में क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहन लाल यादव। हम जो है ये थे 2004 में हमारे गांव वाले आ गए और 2007 में पूरा गांव बस गया। आज तक सरकारी हमें कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं और ना ही हमारा कोई काम हो रहा है। ना आज तक हमको भूमि स्वामी पट्टे दिए गए, जबकि हमारी भूमि स्वामी जमीन वहाँ से छीन ली गई है। अब हम हर तरह से असमर्थ है और अब हम आपका क्या बताइए, हमारी कोई नहीं सुन रहा। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से? पहले हम ग्राम रेपुरा के थे, निवास यहाँ ग्राम नांदी में एक्सेप्ट हुआ है गाँव हमारा और ग्राम पंचायत आयोग के तहत हम निवास कर रहे हैं। किस प्रकार की समस्या आती है आपके यहाँ? क्या समस्या सर ये है हमारे यहाँ, क्योंकि देखिए पहली बात तो यहाँ पानी नहीं है, समस्या ये है राकड़ जमीन भटिया दिया है, इसके लिए बगल से नहर है, फिर भी उन्होंने नहर का सुविधा नहीं किया। कुआं यहाँ से खुलवाए गए तो 15 से 20 फुट के हैं, 25 के, उनमें पानी है नहीं। ये सबसे मेन समस्या है आज वर्तमान। पीने के लिए भी इतनी बड़ी समस्या कि यहाँ 1-1.5 किलोमीटर दूरी की औरतें पानी भर के ला रही हैं, ये मेन समस्या है। और आप रोड वगैरह आप देख ही रहे हैं, सांप बिच्छू निकल रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, अब किससे सुनाएं। पहले विधायक जी थे उनसे भी बताया, अभी पटेरिया जी वर्तमान में हुए तो उनसे हमने बोला है, सब आश्वासन दे दें, बाकी होता कुछ नहीं है, हैं। और मेन क्या है, कभी लड़ाई झगड़ा अगर हो गए तो पट्टे ऐसे उसमें कोई होता नहीं, ना खाद मिल रहा ना लोन उससे मिल रहा, सबसे कोई लाभ ही नहीं है। आज हम लोग ज्यों के तो जैसे थे वैसे उससे बेकार जिंदगी जी रहे हम। हमारे साथ एक और साथी हैं, वे बताएंगे किस प्रकार की समस्या आ रही है। सब समस्या ये है बहुत ही थे बहुत, ना तो देखो पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए पानी हम लोगों को जो है इतनी परेशानी मिलती है 1.5 किलोमीटर से आने अब और व्यवस्था कि अब ना हमारे पास कछु लाभ मिलाते हैं, जैसे आज सरकारी किसान निधि वो भी हमारे पास हमें नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। जबकि आपके नाम से जमीन है जी, वन विभाग वाले हमारे नाम से जमीन दिए है उन्होंने 5 एकड़। अच्छा उसमें ना भूमि स्वामी है नहीं, वो मिलता नहीं है हमें, इनसे भी कई बार बोले हैं कि भूमि स्वामी करो, सुनते ही नहीं है, राजस्व में जुड़ी नहीं है। और जो और बोल दो कि सुनो तो कि वन विभाग से पता चला है कि जो है पट्टे के आदेश हो चुके। और क्या कैसा आपकी समस्या, आप दिखा रहे हैं पट्टा लाए हुए थे, पट्टे हम ले आए, इनने ये दाए हमें, इनने दाए से कुछ नहीं मिलता है इनसे, ना जमानत हो रही, ना लोन मिल रहा, ना खाद भी, ना खाद भी कुछ नहीं मिल रहा है। जो उनने कहा दे दे हमें बोले दिख लो, जो ना सरकारी जा योजना है न जे पैसे हमारे और के आ रहे, सम्मान निधि वाले, सम्मान निधि वाले बिल्कुल नहीं दे रहे किसान। आप लोगों को ये पूरे घर कच्चे दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास मिले या नहीं मिले? मिले हैं कुछ लोग, कुछ लोग मिले हैं, कुछ लोग मिले, मतलब जैसे अपन 4 जने हैं तो एक लोग को बनो, 3 जने अभी 1 जने को मकान बनो कुल में, और गैस सिलेंडर और ये गैस सिलेंडर पैसे नहीं है, किसी हमें ले किसी हमें ले नहीं है।
जिसका मैं लगाए तो जंगल विभाग में जाते हैं, कुल्हाड़ियाँ छीनती हैं, लकड़ी। अरे गैस ले भैया, मैं जा फार्म भरा सो 500 मांग रहे भी, 500 हो तो मैं गैस है नींद घरे जाओ। और नहीं तो कुछ रोजगार मजदूरी बिल्कुल आदमी घर बैठे रहते हैं, कछु है नहीं है, पानी बंगल है, खेती बाती करिए कछु ना, उनकी मजदूरी पे लगती है कुछ नहीं है, मतलब सबसे बेकार है। तो बिल्कुल हम डरे कचरा जैसे आदमी कचरा फेंक दे बाहर गाँव, उनसे ही हम लोग कचरा कोई सुनता ही नहीं है, सब सुना ही सुना है, कोई नहीं सुनने वाला है। ये थे हमारे साथ में इन ग्रामीणों की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं और हम देख रहे थे हम शासन तक इस समस्याओं को पहुंचाएंगे और प्रयास करेंगे कि इनकी समस्या हल हो जाए। अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।